हाय फ्रेंड्स, राजेश हियर फ्रॉम technobuzz.net। अगर आप शाओमी के फोन यूज़र हैं और MIUI 10 आपने फ़ोन में इंस्टॉल कर रखा है और आपको काफ़ी सारे ऐसे एड्स जो हैं आपके फ़ोन के अंदर देखने को मिलते हैं और सजेशंस वगैरह, और आप इनसे परेशान हैं और कोई आपको इनका कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कि कैसे इनको रिमूव करें, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने किसी भी MIUI 10 फ़ोन के अंदर, चाहे कोई भी फ़ोन हो, Redmi Note 5 हो, Redmi Note 5 Pro हो, 6 हो, 6 Pro हो, 7 हो या 7 Pro हो, जो भी MIUI 10 पे रन कर रहा हो, उसमें से एड्स को कैसे ब्लॉक करना है ताकि ये एड्स जो है आपको बार बार डिस्टर्ब ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे हैं, ये आज हमारे पास Redmi Note 7 Pro है। इसके अंदर हम एक ऐसा कवर यूज़ कर रहे हैं जो अच्छी तरीके से फोन को प्रोटेक्ट करता है और कैमरे बम्प को भी। अगर आपको इस कवर के बारे में और जानना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है जिसके बारे में मैंने इस कवर के बारे में बता रखा। अब बात करते हैं एड्स की। मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप प्ले स्टोर पर जाते हैं, प्ले स्टोर पर जाके सपोज कीजिए कोई भी एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, सपोज कीजिए हम ये एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं इंस्टॉल। ये देखिए, जैसे इंस्टॉल होगी, इंस्टॉल करने के बाद एक पेज आएगा और उसमें आपको जो है एक काफ़ी बड़ा पॉपअप एड जो है एक एड देखने को मिलेगा। ये देखिए, जैसे ये मोबाइल रिचार्ज बिल भुगतान, ये कुछ इस तरीके के एड्स आपको देखने को मिलते हैं और मोस्टली लोग इंस्टॉल नाउ के ऊपर टैप कर देते हैं, जबकि इसको करने की जरूरत नहीं होती। अब इन एड्स को कैसे ब्लॉक करना है, इसके लिए सबसे पहले क्या करना है, जो ऊपर आप सेटिंग गियर का आइकन देख पा रहे हैं, इस पर एक बार ऐसे टैप करेंगे। यहाँ एक ऑप्शन आता है रिसीव रिकमेंडेशन, इसको डिसेबल कर दीजिए। अब आपको जो है आगे चल के जब भी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे, आपको ये एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। हम चेक कर लेते हैं एक किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके, जी हम इसको डाउनलोड करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको प्रूफ मिल सके कि हाँ ये काम करती है। तो ये देखिए, हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गई है, अब वो पेज आ चुका है। ये देखिए, अब देखिए, अब कोई भी ऐड यहाँ पे अब देखने को नहीं मिला है और जो एप्लीकेशन जो है ठीक तरीके से इंस्टॉल भी हो गई है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए, आप कोई भी ऐड आपको देखने, इस तरीके से आप जो है इंस्टॉलर में से एड्स को ब्लॉक करेंगे। और कई बार जो है आपका जो डाउनलोड सेक्शन होता है उसके अंदर भी जैसे आप देख पा रही हैं काफ़ी सारे आपको एड्स देखने को मिलते हैं, तो इसका भी सिंपल सॉल्यूशन है। ये जो ऊपर टॉप में आप देख पा रहे हैं 3 डॉट्स, इन पे आप टैप करिए एक बार। इन पे टैप करते आप सेटिंग्स पर जाएंगे। सेटिंग्स पर जाके आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो लिखा हुआ है शो रिकमेंडेड कंटेंट, इसको आपने डिसेबल कर देना है। उसके बाद आप ओके कर देंगे इसको, और अब जो है आपको एड्स वगैरह जो है, देखिए कोई भी एड वगैरह जो है आपको अब इसके अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। पहले आपको कितने सारे एड्स यहाँ पर देखने को मिल रहे थे, तो वो भी आपको नहीं मिल रहे हैं। अब जो तीसरे एड जो आपको काफ़ी सारे और देखने को मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको फाइल मैनेजर के अंदर। फाइल मैनेजर में आप कोई भी एप्लीकेशन कुछ काम कर रहे होते हैं तो उसमें भी आपको एड्स देखने को मिलते हैं। तो उसके एड्स आप कैसे ब्लॉक करेंगे, ये जो मेनू का बटन देख रहे हैं इस पर टैप करना है आपने। इस पर टैप करके जो है आपने सेटिंग्स पर जाना है। सेटिंग्स पर जाके अब जो अबाउट का ऑप्शन है आप इस पर एक बार टैप कीजिए, और ये जो रिकमेंडेशन का ऑप्शन है इसको भी यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। आपने फाइल मैनेजर के अंदर भी जो है एड्स को डिसेबल कर दिया है। अब बात करते हैं अगले कुछ और एड्स के बारे में, जो कि आपको मोस्टली कहाँ देखने मिलते हैं, MI म्यूजिक प्लेयर और आपका MI वीडियो प्लेयर। तो सबसे पहले चलते हैं म्यूजिक प्लेयर के ऊपर। म्यूजिक प्लेयर को लॉन्च कीजिए, इसकी जो सेटिंग्स का ऑप्शन है आप इसके ऊपर जाएंगे। इस पर जाके जो सेटिंग्स है यहाँ पर आपको जाना है। सेटिंग्स में जाके जो है आपको जो एडवांस सेटिंग्स का यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है, आप इसके ऊपर एक बार टैप कीजिए। थोड़ा नीचे जाइए, यहाँ पर भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है रिसीव रिकमेंडेशन। तो जिन जिन एप्लीकेशन में आपको एड्स देखने को मिलते हैं, आपने उनकी रिकमेंडेशन को ऑफ कर देना है, तो इसको भी ऑफ कर दीजिए। अब आपको जो है MI म्यूजिक में भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब अगली एप्लीकेशन जो और दिखती है वो है MI वीडियो। इसके अंदर भी आपको काफी सारे एड्स देखने को मिलते हैं। तो इसमें क्या है, जो माई अकाउंट आपका है यहाँ पे अपने एक बार टैप करना है। टैप करके आप क्या है सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाके क्या है, ये जो ऑनलाइन रिकमेंडेशन है इसको भी ऑफ कर देना है, और ये जो पुश नोटिफिकेशन है इन दोनों ऑप्शन को आपने ऑफ कर देना है। तो आपने अब MI वीडियो के अंदर भी ब्लॉक कर दिए। और भी अगर किसी और एप्लीकेशन में आपको ऐड देखने को मिलते हैं तो उनको क्या करना है, आपने सेटिंग्स खोली अपने फोन के अंदर। सेटिंग्स भी खोल के आपने एडिशनल सेटिंग्स में जाना है। एडिशनल सेटिंग्स में आपको नीचे एक ऑप्शन देखने को मिलता है प्राइवेसी, आप इस पे एक बार धीरे से टैप करेंगे। टैप करते ही क्या है, आपको थोड़ा और नीचे जाना है, आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं यूजर एक्सपीरियंस प्रोग्राम और सेंड डायग्नोस्टिक डाटा ऑटोमेटिकली। इसमें क्या है, जो फोन जो है आपकी सारी एक्टिविटी को ट्रैक करता है और उस तरीके से एड्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप इन दोनों को यहाँ से डिसेबल कर देंगे। उसके बाद जो है फोन जो है आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप क्या सर्च कर रहे हैं, और कोई भी आपको एड्स जो है किसी भी एप्लीकेशन में अब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आप ये जो सारे के सारे जो एड्स आपके फोन में आ रहे थे MIUI 10 के फोन के अंदर, उनको ईजिली
डिसेबल कर सकते हैं, अब आपको कोई भी एड्स देखने को नहीं मिलेंगे। तो एक सिंपल सा मेथड था, हमने कोई इसको ना रूट किया, ना कोई कस्टम रिकवरी डाल दी, ना फोन को अनलॉक किया। कुछ सेटिंग्स में आपको चेंज करने हैं, थोड़ा सा मुश्किल काम है, आपको हर एप्लीकेशन को खोलना पड़ेगा, रिकमेंडेशंस को ऑफ करना पड़ेगा। तो बस ये छोटा सा वीडियो इसी के ऊपर था, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आगे चल के आपको ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रह सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।